नए संसद भवन के उद्घाटन से पहले सबकी निगाहें ऐतिहासिक राजदंड सेंगोल पर रही, सत्ता और न्याय का प्रतीक। विधि विधान के साथ लाए गए सेंगोल को प्रधानमंत्री ने ऐसे साष्टांग नमन किया। फिर वैदिक मंत्रोच्चार के साथ हवन और पूजा हुई और साथ ही सर्वधर्म प्रार्थना सभा भी। सेंगोल को लोकसभा स्पीकर के आसन के बगल में स्थापित करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए और भव्य संसद भवन का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने बताया कि नए संसद भवन की जरूरत क्यों थी। बीते डेढ़ दो दशकों से ये चर्चा लगातार हो रही थी कि देश को एक नए संसद भवन की आवश्यकता है और हमें ये भी देखना होगा कि आने वाले समय में सीटों की संख्या बढ़ेगी, सांसदों की संख्या बढ़ेगी, वो लोग कहां बैठते हैं। और इसलिए ये समय की मांग थी कि संसद की नई इमारत का निर्माण किया जाए और मुझे खुशी है कि भव्य इमारत आधुनिक सुविधाओं से पूरी तरह लैस है। अमृतकाल में नए संसद भवन के इस समारोह में प्रधानमंत्री मोदी के साथ लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश समेत लोकसभा और राज्यसभा के ज्यादातर सांसद मौजूद रहे। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी सरकार का 9 साल का रिपोर्ट कार्ड भी पेश किया। पिछले 9 वर्षों का आकलन करें तो पाएगा कि ये 9 साल भारत में नव निर्माण के रहे हैं, गरीब कल्याण के रहे हैं। करीब 20 विपक्षी दलों ने नए संसद भवन के उद्घाटन का बहिष्कार किया। विपक्ष की तमाम आलोचनाओं के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने इशारों में उन पर निशाना साधा, कहा अब वक्त नए रास्तों पर चलने का है। आज नया भारत नए लक्ष्य तय कर रहा है, नए रास्ते गढ़ रहा है, नया जोश है, नया उमंग है, नया सफर है, नई सोच है। दिशा नहीं है, दृष्टि नहीं है, संकल्प नया है, विश्वास नया है। नया संसद भवन 2.5 साल से भी कम समय में तैयार हुआ है, जिसकी दरो दीवार पर भारत की सांस्कृतिक विविधता की झलक मिलती है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि नई संसद में काम करने की संस्कृति भी बेहतर होगी और काम करने की क्षमता भी बढ़ेगी। हम संसदीय अनुशासन, मर्यादा और गरिमा के नए मानदंड स्थापित करें ताकि विश्व की लोकतांत्रिक संस्थाओं के लिए भारत की लोकतांत्रिक संस्था आदर्श बन सके। उधर उद्घाटन समारोह से गैर हाजिर रही करीब 20 विपक्षी पार्टियों ने बहिष्कार के लिए अपनी अपनी दलीलें दी। It's very painful for me, for somebody who is so... ये बहुत ही दुखद है। जब विपक्ष होता है तभी लोकतंत्र कहलाता है। नई संसद में इतने बड़े कार्यक्रम का विपक्ष के बिना होने का मतलब है कि देश में लोकतंत्र नहीं है। ये एक अधूरा कार्यक्रम है। It does not mean there is a democracy in this country. अब सबकी निगाह नई संसद में लोकसभा राज्यसभा की कार्यवाही के शुरू होने पर रहेगी। उम्मीद है मानसून सत्र में जब पक्ष विपक्ष के सांसद देश की सबसे बड़ी पंचायत में बैठेंगे तो लोकतंत्र में एक स्वस्थ संवाद की परंपरा कायम होगी। नई संसद का निर्माण इतिहास में अहम मोड़ पर हुआ है। यह एक ऐसा समय है जब भारत में विचार को लेकर पक्ष और विपक्ष में बहस चल रही है। उम्मीद है नई संसद राजनीति में नए आचार विचार लेकर आएगी और हमारे लोकतंत्र को और स्वस्थ बनाएगी। नई दिल्ली में उमा शंकर सिंह के साथ राजीव रंजन, NDTV इंडिया।